subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. दो तरीकों की कोविड डेथ होती हैं। एक कोविड डेथ होती है नीडलेस डेथ, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी, इस व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता था मगर उसको नहीं बचाया गया। और दूसरी डेथ होती है जो जिस व्यक्ति के पास बहुत सीरियस कोमोर्बिडिटीज होती हैं, जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, जिनको बचाना मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में सेकंड वेव में 90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे हैं। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की है और उनका यूनिवर्सली कहना है कि अगर आप नीडलेस डेथ को देखें, जो लोग जिनको मरना नहीं चाहिए था, जिनको सपोर्ट मिल जाता तो नहीं मरते, उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके परिवार में उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहनों की मृत्यु हुई, कारण ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत ये देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू, उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे और उनका फोकस दूसरी ओर था, तो ये तो पूरा देश जानता है।